पहुंचेंगे। गुम सुम रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि जिसका 1.5 लाख का सेटअप लगा है वो पता नहीं क्या रहे। सही बात। शुभ, आई लव यू। 6,000 की लिपस्टिक कैसी लग रही है? बॉबी ब्राउन। इनका लहंगा पकड़ लो। ना ना, वेरी गुड। अब सिंगर कम हो ज्यादा लग रहे हैं। ये वक्त बड़े अलवेले। तो बैग हो गया पैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेदर बहुत खराब है आज का, बारिश भी हो रही है और शूट है शिल्पी राज जी और विजय चौहान जी का, मेरी हम सब की फेवरेट। हो गया मम्मी? हो गया। खा लो। खाएंगे नहीं, बस पैक कर दो। अच्छा, फिर तो आपको पता ही होगा। पता नहीं चला कितने बजे पार्टी थी। अच्छा, ये ठीक है कि पैसे पहले में ले लिए तो पार्टी करूँगा। यू आर वेरी स्मार्ट ब्रो। लास्ट वाला व्लॉग देखा किसका? आपका डाला मैंने, ब्रूस ली द ग्रेट। पता है मेरे को यहाँ पे आती हूँ ना इस वाले फार्म हाउस में आगोश में, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं आप किसी अप, मतलब टेंशन नहीं रहती किसी बात की, पता है घर जैसा लगता है। अच्छा अच्छा, हाँ ये रहता है ना, मैं सुकून से रहती हूँ। हाँ तो इस फार्म हाउस की खासियत ये है कि यहाँ पे आके मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर में आई हूँ। घर वाली बातचीत है ब्रो। चलो मैं तब तक ड्रेस अरेंज कर लूँ, टाइम ना लगे और जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए। मैं तो अपना रायता यहाँ पे खा रही हूँ, ये हो गया खाली। और जो चीज़ें हैं जो वैसे रखने वाली हैं वो भी मैं इसी में डाल के रख दूँगी। टाइम हो गया है 9:45। कोई क्या करूं, आ गए आप ना 10:30 बजे। नहीं मैं कभी आया हूँ। हाँ जरूर। हाँ मैं थोड़ा अपना भोजन कर लूँ। आई हैव दिस आल्सो, ये मैं बाद में खाऊंगी। ओहो अगेन। मार्केट लगवानी है। आज बड़ा स्टोर है। कहाँ पहुँचेंगे? थोड़ा डिफरेंट लुक है छोटी के साथ। उनको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, एक आध बार बात हुई भी थी तो मतलब उस टाइम पे मेरा काम बड़ा वैसा चल रहा था। तो हमारे सेट पे है हम सब मॉडलों के फेवरेट मिस्टर शर्मुंदाना। बहुत बेकार चुड़ैल जैसी लग रही हूँ मैं इसमें। ये हार मेरी माँ लेके आई थी पता है गांव से। हाँ ये नहीं हुआ हमसे, वैसा ही किया तो था। तुम बताओ शिवो पहले तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप मुझे देख रही हैं। अपने पैरों पे खड़ा हूँ एकदम खुश। हाँ पैर सही है ना, एकदम ओके। ये वाला पैर था एकदम ओके हो चुका है। अब यहाँ पे कौन से मॉडल है तुम्हारे पास? यहाँ पे एक लड़की है। ये तो मशीन है तुम्हारा, तो ये जो सजाने का स्टाइल है ना, जान तो दरअसल यही ले लेता है। क्या बात है। मैं देख रही हूँ साउथ इंडस्ट्री का हीरो यहाँ पे कैसे। मेरी नजर गई, मैं स्टेप ही भूल गई। मैंने कहा भाई आज तो कोई साउथ इंडस्ट्री का आ गया यहाँ पे, अब मैं क्या ही करूँ।
साइड करो सबको, मुझे कुछ नहीं करना, बस इसको अच्छा लगना मुझे। हाँ अरे मैडम मैंने एक सपना देखा, उसमें आपको भी देखा, आपको भी देखा, हम लोग कहीं बाहर गए कहीं हिल्स वाले इलाके में। हाँ? हाँ। तो हम जाने वाले हैं ना, कैंपिंग कर रहे थे। वैसे तरीका अच्छा है बताने का। चाय पियोगी? हाँ क्यों नहीं पियोगे, साउथ वाला आया। कह रहा इज्जत से बेइज्जती करिए बताऊ। मेरी शादी में तो तुम ही आ रहे हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कार्ड भेजा था आपने, मुझे लगा कि मैडम की शादी तो नहीं हो गई, मैंने पूछा किसकी शादी है। ना वो तो भाई की है। ए शिबू मेरे टकले में जा रहा, मेरे गंजी हो जाऊंगी। नहीं होगी। अब देवदत्त आएंगे ना, उनसे बोला अरे आपके कल से ऐसे कैसे हो गए तुमसे, तो कहेंगे भाई ये क्या हो गया। तो दादा आपने कल बहुत अच्छे किया, अभी तक हिले नहीं। क्या है क्या है, तो खिलते जा रहे हैं और खिलते जा रहे हैं और हाय। वैसे तो दूसरे सेट के मॉडल को कोई छूता नहीं है। हाय कितना जन मेरा तू राजा बेनो। मैं भी नहीं छूता किसी ऐसी वैसी लड़कियों को। हाय रे प्यार, बड़ा जल्दी प्लान कर लिया तुम्हें, काम कर तुम सपने में और लेट देखो। तो हमारा लद्दाख वाला ट्रिप भी अच्छा था ना, मतलब मजा ही आ गया था। वो जो आप बर्फ पे कूद रही थी ना, ओ भाई साहब वो अलग ही। फिर हम वहाँ मालदीव भी तो गए थे, ये कुछ ज्यादा बोल दिया। अपना बताओ ना यमुना पार के, अपना बताओ मनाली ना गए थे। मनाली कहाँ गए थे आप, रो रहे थे। क्या हो गया, मेकअप तो एकदम अलग ही हो गया यार, बहुत प्यारा लग रहा है यार ये आई शेड। तो मेरे पूरी शादी के फंक्शन में रहोगे? अरे मैडम क्यों नहीं, जरूर। लेकिन तुम्हें एक कसम खानी पड़ेगी। क्या? कि तुम्हें मेकअप से मेरा करना पड़ेगा। और किसी के भी इमोशनल ड्रामा में नहीं आओगे। और किसी का नहीं छुएंगे मैडम, किसी का नहीं छुएंगे। मुंह मुंह ठीक है। लोग पता है क्या शिवो, चार दिन जिम जाने लग जाते हैं ना, ऐसे चौड़ में घूमते हैं। अब सही हो गया ना, एक तो ये बंदे की शक्ल पसंद नहीं मुझे। तो शिवू लेके आए बॉबी ब्राउन के दो लिपस्टिक, जिसको ये हमेशा जेब में रखते हैं। बाल करते करते पूरा मेकअप हो गया, भगवान इसे बहुत खुश रखे। और भी वजह से छूता नहीं पड़ा तेरे को, तुझसे ज्यादा तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। ये चढ़ाइए पहले, ये वाला अप्लाई करिए। ऐसी रहने वाली है ऐसे ग्लॉसी। मैडम 6000 रुपए किस चीज के लिए है? लिप्स तो चमकते हैं। वाओ ये रहने वाली है। शिव आई लव यू मैडम। हाय ये कितना प्यारा लिपस्टिक लग रहा है ना, ये इसका अगर कलर भी चेंज कर देता ना तो भी थोड़ा सा सुकून मिलता। बोर हो गई हूँ मैं इसको देख देख के, वाइट और ब्लू। छह हजार की लिपस्टिक कैसी लग रही है? बॉबी ब्राउन मुझे लगा कहीं भाग रहा हो। के बनाना तेरा मतलब, बैठे बैठे बनानी ना, अरे की बता तकिए पे बैठी। इसमें तो फिल्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो गाइस हमारा ये थर्ड सेटअप चेंज है और ये आशिक है बहुत बड़े। हाँ कैसे लगे पड़े हैं,
मान नहीं रहे हैं, देखो देखिए गाइस। तू तोता, मैंने बॉबी ब्राउन का लिपस्टिक लगाया हुआ है और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये लिपस्टिक का शेड ही मुझे ला के देंगे, जिसका कॉस्ट है सिर्फ ₹6,000। ना ब्लॉग और ये इनकी वाइफ, मतलब हमारी वाइफ, होने वाली वाइफ। मेरा रिएक्शन ऐसा था। हाय, आपका नाम क्या है? रेखा। रेखा, तो साड़ी आप इनके कहने पे पहन के आई हैं? बोलो हाँ। लड़कों कहने पे कुछ मत क्या करो। और ये है हमारे, ये दे देंगे हमारे क्यूट से। हाय कीजिए, हाय कीजिए, चलिए जबरदस्ती हाय करवाती हूँ मैं। आपकी और इनकी शक्ल एक जैसी है। किधर किधर कौन बुला रहा था? हाँ ब्लॉग बना रही हूँ अभी, तो यहाँ थे। ये हॉरर हॉन्टेड आदमी है। अब ये उस लड़की के पास थे, अब जिसको अपनी ये वाइफ बता रहे बेचारी, अब वो अकेली है और बेचारी की साड़ी। उसके साथ कौन लड़का खड़ा है? कौन? वो उसका भाई है। और इस बार का फिर मेरा रिएक्शन। चलो हाय भाई, इनके ब्लॉग के चैनल को सब सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ले लेंगे सबका। हाँ। ले लीजिए सबका, ले लीजिए, दे दीजिए। इनके साथ सब रील बना लेंगे, सबके सब इनके साथ रील बनाएंगे। इनके साथ हेलो 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 हेलो। हाय, गाड़ रहे छाता, गड़ गया। और ये हमारे डायरेक्टर सर, जो 9 बजे बुला के और 12 बजे स्टार्ट किए। और ध्यान से देखिए इस मासूम से चेहरे को, जिसको देख के हर कोई हैरान रहता है। कितने परेशान क्यों रहते हैं, पता है आपको ये बात? है ना पूछ रहे थे ना, सारे गुमसुम रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि जिसका 1.5 लाख का सेटअप लगा है वो पसंद नहीं क्या रहे। सही बात है, बात जायज है। काम कुछ मेरा रिएक्शन ऐसा था। लेकिन लेकिन हमसे तो डिसअपॉइंटेड नहीं है ना आप? नहीं नहीं। तो मेरे को एक राज की बात बताएंगे क्या? आप यहाँ पे तो मुझे बुला लेते हैं और जब बाहर जाते हैं तो क्यों नहीं बुलाते हैं? जरा शक्ल दिखाइए आप इस बाहर। हाँ कितने टाइम के बाद आए थे लास्ट कॉन्सर्ट शूट था हमारा? कौन सा ये मैं 63 kg की हाँ, तो हम अभी जा रहे हैं सरसों के खेत में। सनसनन साए साए हो रही थी खेत में। ला सरसों के खेत में शाहरुख खान की डाला करेगी। यस भाई, देखो ब्लॉग बना दे लास्ट पे। चलो फिर वही मार के आओ। क्या मार के आओ? अच्छा ओके, खेत में जा रहे हैं ना अभी काटना है काम है। हम लोगों को खेत में लेके जा रहे हैं सुमड़ी में कुमड़ी मारने। ए अपनी लैंग्वेज में, मैं नहीं हूँ, मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। अपनी लैंग्वेज में बोलो। पिछले मत महाशी दीदी से मतलब तबाशु में तो रे था। मैं कहां जा रही हूं? मैं जा रही हूं सनसन में साए साए सरसों के खेत में। सरसों के खेत में चल के मजा आएगा। हां है ना, हम लोग गाड़ी से जाएंगे खेत में। मैं आगे बैठ जाऊं? आप आगे बैठ जाइए। भाई बैठो, तुम बैठो ना। भाई लड़की चाहिए मुझे ये सेट पे, हर सेट पे चाहिए ये कोरियोग्राफर मुझे। तुम दाले मनानी। हम लोग जिस सेट से डायरेक्ट जा रहे हैं, देव सर यही रह गए। देव सर कोई बात नहीं, रोना नहीं, मैं तुरंत आ रही हूँ। ये कितने तेज है, वैसे दूसरे के सेट पे घूमने के नाम पे हमारी गाड़ी में आ गया। हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। माइक भी साथ में लेके काम करूंगा भाई मैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपके साथ पेश करते हैं ये बहती बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति, ढोड़ी में पानी जाता किसने। ये गाना है। हाँ, गा के सुनाइए थोड़ा। कि ढोड़ी में पानी तहरा और लगी हो,
चलिए मुंह फटे लगी हो स्माइल स्क्रैच या इधर ये कल मेरी लड़ाई हो गई थी एक शेरनी के बच्ची से देखिए वो बैठी पीछे इसमें 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 ये हमारे यहाँ का भैया शूटिंग मोहल्ला इस फार्म का नाम है शांति फार्म हाउस ध्यान से हम शूट से आ गए हैं खेत में ले लेगा माइक 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 लगा लगा बलम हमें धक्का कल करता पहुंचा दो ना मिले सुर मेरा तुम्हारा ना देखिए सर मैं कैसे उतरूं सर अरे उतर जाए हम लोग कैसे उतर रहे हैं उसे उतर हाँ मेरे को मेरे को पकड़ ये आप ये पकड़ना आप इनका लहंगा पकड़ लो ना ना वेरी गुड ये देखो मैं तो भारी लगती हूँ ना अरे आर्टिस्टों के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जाता है उन्हें गोद में उठा के सर पे बैठा के लेके जाया जाता है शांति से मानते ही नहीं है किडनैप हो गया अरे हाय कितना मजा आएगा यार आपकी गर्लफ्रेंड है कौन वाइफ है मैम सही में कितने मेरे को तो कभी नहीं बताया मैं हाय मेरे को भी किसी की बीवी बनना है रेडी हो जाओ आई एम रेडी देखना तो कितने बदतमीज है ये आप लड़ना मेरे से ये हालत मत कर ये दुर्दशा मत करना मेरी हाँ इनने मारा मुंह पे हाँ मैम ओए होए जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा हाँ अनिल पात्र की कसम खाता हूँ अरे यार अरे संतनवा थैंक यू सो मच हम लोग गड़ा गड़ी करके आए जूता गंदा हुआ नहीं आइए आइए वो चीज लीजिए बाबू जो हम लोग ड्रेस लेके आए हैं ना अनिल शॉर्ट लहंगा कलर था मैडम आइए नीली कलर की लड़की लाठी फेंक के मारते हैं गांव वाले लोग आइए आइए यार तभी पता है मैं ना अपने लिए लड़का जो मेरे लिए आ रहा है देखो सुन रहे हो ना सबके सब जल्दी जल्दी कमेंट करो किसका केप कल्याण है हाय हाय रिक्स मत लो मैं पता क्या डालूंगी अपने ब्लॉग में कि मैं अगर कोई आर्टिस्ट मना करती है कीचड़ में खेत में जाने से तो उसको ऐसे लेके जाया जाता है नहीं नहीं कसम से माइक से माता बेहोश कर देता है इसको क्या 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 हो गया सच में भूत था अच्छा अच्छा मैं कहूंगी ये जाने पहचाने से शक्ल क्यों लग रही है सबकी ड्राइवर
भूल जाते हैं रास्ते। स्पीड पकड़ लो तुम, समझ गए आगे बड़ी गाड़ी। सॉरी शक्तिमान, बुरा मत मानिए। सुजीत सर, नैन सर यहाँ पे कैसे आ गए हमसे पहले गाड़ी से? होली खेल रहे हैं ये आई देखिए। मुझे फोन में देखा मैगी, ये कौन सा पागलपंती छा गया कि 2 घंटे के लिए फ्री हूँ मैं। 2 घंटे लो लो चुप हो। हाँ बताइए ना। तो टाइम हो रहा है 7, जो सेकंड मॉडल है उनका शूट चल रहा है और शूट चलते 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 इतना टाइम हो गया, मैं सो भी गई थी। तो अभी मेरे में और थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम हो रहा 8, तब तक मैंने सोचा मैं जाके चाय पी लूँ, स्पेशल चाय बनती है मेरे लिए यहाँ पे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? हम लोग आज अलग अलग सेट पे हैं लेकिन फार्म हाउस एक है। आज हम लोग आगोस फार्म हाउस में हैं और मैं हूँ आशीष त्यागी जी के सूट पे और आप किस पे हैं? नैन जी के सूट पे हैं। विजय चौहान जी के? हाँ विजय चौहान जी के सूट पे मैडम है। तो आज हम दोनों मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से हम मिले हैं, सुबह से आए हैं एक ही फार्म हाउस में और मिल रहे हैं अभी। अभी टाइम क्या हो रहा है? 7:30-8 बज रहा होगा अभी। अरे 8 से ज्यादा हो रहा है। और हम मिल रहे हैं अभी चाय पे। तो अभी फिर हम जाएंगे अलग अलग सॉन्ग करेंगे, 12 बजे पैकअप हमारा होगा, उससे पहले होने वाला है। मेरा तो बहुत लेट होगा, मेरा तो अभी आधा भी नहीं हुआ है। अभी दूसरे का आधा चल रहा है और एक होली पूरा बाकी है जो मैं अभी करूंगा एक होली। हाँ। लेकिन बट आज इनके साथ नहीं करूंगा यार। और एक बहुत ही प्यारा होली सॉन्ग इनके साथ रिलीज होने वाला है चंदा कैसेट से, तो आप लोग देखना ना भूलें, उसमें हम दोनों ही किए हैं। अभी आ गए सुमड़ी में घुमड़ी, ऐसा कौन आता है भाई? मैं तबीयत हो गई बहुत ज्यादा खराब। तो गाइस ये 9:30 बजे आए थे सुबह और इसमें एक ड्रेस नहीं मिला है। हम आए थे एक ही है, मतलब ये स्टार्टिंग से यही है। और हम है ना, हम आए थे लगभग 10:30 बजे और हमारा ये तीसरा है जॉब है। दिखा दो। हाँ सुबह यही पहन के जिम गए थे, वही पहन के आ गए और फिर वही पहन के ये देख लो भाई कितना पोटी करती है। अभी मैं बोल रहा पोटी आई कैंटीन के सामने खड़ी है, खाएगी और फिर पोटी मिल जाएगी। खाती हूँ मैं, मारूंगी मैं। ना ना देखे देखने में पेट भर दे। हमारा इसके नाम का है भाई, हमारा 8 रोटी है। हाँ कर रहा है, अब खा जाइए, 1 मिनट में करती लपेट देगी। 8 मेरे को इतनी बढ़िया चाय पिलाई है ना इन्हें और दवाई भी पिलाई। थैंक्स टू कैंटीन वाले। मैं हाय बोलूंगा हम आइलवानी नाचे पूछी से बचे के हो ना पूछी। आगे हम आइलवानी नाचे के हो ना बचे पूछी से पूछी के कम असली व्यास इसलिए खाओ दिन भर रात। छोड़िए इसको भी छोड़िए, ट्रैक चेंज हो जाता है थोड़ा, कभी नहीं मैंने देखा सही में। बैक नहीं हो किडनियां इधर घूमती रहती है क्या मालूम हो जाता है जी, लपाना पड़ता है। हाँ आप भी जाइए मायापुरी में। क्या क्या आप ये माइक छीन के इनके सर पे दे सकते हैं? इस बात वैसे मेरी हाथ ले जंगली वाली रखी है। कहाँ गई हो? दोबारा हेलो गाइस, टुडे आई एम कोडाग्राफर। बताओ बेड सीन पहले नहीं ले लेते फिर ये करते? उन्होंने ये गलत कर दिया। और
बॉबी ब्राउन का लिपस्टिक बच गया बस मेरे। कौन से रूम में? तो अब है चेंज, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल चिपक गया कलर, क्योंकि उसके ऊपर ना पहले वो लगा था वैक्स, और इतना तो बेकार लग रहा है। हम मेरे को पहनना साड़ी, फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। उसके मैचिंग का था पर मिला नहीं, हो गई मैं तैयार फटाफट से। वो तो अच्छा हुआ कि मतलब वो मैंने बोला कि ये क्या गा रही है, क्या गा रही है, समझ में आ गया है ना। बताओ वो शॉट लीजिए। बीड़ी कौन पी रहा है? थोड़ा सा BTS बना लेते हैं। इधर से चलिए, बताइए कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे आपके साथ काम करके। अरे चलो चलो चलो।